अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ हाईएस्ट 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पोल्टी और दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग जो आपातकालीन प्रावधान बताए गए हैं हमारे संविधान में जो आपातकाल लगाया जाता है उनके बारे में दोस्तों हम इस वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो चलिए देखते हैं दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो है दोस्तों इन्हें संविधान के भाग 18 में बताया गया है। ठीक है तो दोस्तों ये याद रखिए, इन्हें संविधान के भाग 18 में बताया गया है। और दोस्तों आपातकाल को दोस्तों अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में इनकी चर्चा की गई है। ठीक है तो इसको याद रखिए दोस्तों। संविधान में इन प्रावधानों का उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या है कि आखिर ये जो आपातकाल है ये लगाए क्यों जाते हैं। ठीक है तो दोस्तों देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना इनका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। यदि दोस्तों इन इन सब चीजों पर अगर दोस्तों कोई भी खतरा है तब दोस्तों आपातकालीन प्रावधान लागू किए जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों इसको आप याद रखिए दोस्तों। ये प्रावधान बिना संविधान संशोधन के, ये जो दोस्तों आपातकालीन प्रावधान है ये प्रावधान बिना संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को, जो दोस्तों संघीय ढांचा है केंद्र और राज्यों का ये अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है तो इनको एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर सकता है, यानी कि राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी। ठीक है तो इसको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, जो आपातकाल होता है वो तीन प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है तीन प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक, पहला दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसको दोस्तों जब राज्य में आपातकाल लगाया जाता है तो इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, राज्य में आपातकाल ऐसा कोई वर्ड दोस्तों संविधान में नहीं है तो इसको याद रखिए राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ठीक, तो ये तीन प्रकार है दोस्तों आपातकाल के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। अभी दोस्तों इनको हम डिटेल में भी कवर करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को, लेकिन पहले इनको थोड़ी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको हमारे संविधान में जो आर्टिकल 352 है उसमें बताया गया है। ठीक, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, ठीक है, युद्ध हो रहा हो या बाह्य आक्रमण, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह हो या दोस्तों इनका आसन्न खतरा हो, ठीक है, तब भी दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। जरूरी नहीं है कि युद्ध बिल्कुल छिड़ ही गया है। ठीक है, ये अगर राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का कोई खतरा है भविष्य में तो भी राष्ट्रपति इनको लागू कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। ठीक है तो इसको आप याद रखिए दोस्तों। अभी तक तीन बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है देश में। एक तो है दोस्तों 1962 में लागू किया गया था और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत चीन के युद्ध के समय, और दोस्तों 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों ये दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 356 के तहत इसको लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। ठीक दोस्तों, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण दोस्तों, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है तब दोस्तों राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है। ठीक, और दोस्तों तीसरा है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों इसको दोस्तों 360 आर्टिकल जो है इसके तहत लागू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भारत में वित्तीय खतरा उत्पन्न हो जाए तब दोस्तों वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को थोड़ी डिटेल से। दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल को तब क्या कहा जाएगा, बाह्य आपातकाल। ठीक, और दोस्तों जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसकी घोषणा की जाए तब दोस्तों इसको आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो इसको आप याद रखिए दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ये पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसमें ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति भारत के किसी विशेष भाग में भी, किसी विशेष क्षेत्र में भी राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिए दोस्तों। अगला है दोस्तों
प्रारंभ में संविधान ने आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि दोस्तों बहुत ही अस्पष्ट शब्द था। ठीक है, अतः दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ी के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का तीसरा आधार है, सशस्त्र विद्रोह, अभी मैंने बताया था सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोस्तों 1978 से पहले इस शब्द को हमारे संविधान में नहीं बताया गया था। ठीक है, इसके स्थान पर क्या था, आंतरिक गड़बड़ी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप देखिए, आंतरिक गड़बड़ी ये बहुत अस्पष्ट शब्द है। अगर आंतरिक गड़बड़ी कोई बोल रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या, मतलब कौन सी कमी है देश में या कौन सा चीज गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये अस्पष्ट था, इसलिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। दोस्तों नोट लिखा है कुछ, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है, दोस्तों मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही क्यों कर सकता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था, 1975 में जब दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था, तब दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के या बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए बोला था। ठीक है, और जब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था, तब उन्होंने यानी कि इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल को इस राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया था, इसलिए दोस्तों ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति इस आप के बाद किसी भी प्रकार के, अगर आपातकाल की घोषणा कर रहा है तो वो मंत्रिमंडल की अगर लिखित सिफारिश प्राप्त होगी, लिखित सिफारिश, ठीक है, तो ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि संसद के दोनों सदनों से, ठीक है, संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक ही जारी रहेगा। ठीक है, 6 माह तक जारी रहेगा, और दोस्तों प्रत्येक 6 माह के बाद, ठीक है, प्रत्येक 6 माह के बाद संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 6 माह संसद ने अनुमोदित कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद 6 माह तक ये जारी रहेगा आपातकाल। ठीक है, और 6 माह के बाद पुनः संसद से अनुमोदन कराना पड़ेगा। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत। ठीक है, तो इतने सदस्यों के द्वारा दोस्तों इसे अगर अनुमोदित करा लिया तो 6 माह तक ये फिर से लागू हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो इसको आप याद रखिए। अब दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव किसी देश पर पड़ते हैं। ठीक है, किसी देश के प्रशासन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों पहला प्रभाव तो इसका केंद्र और राज्यों के संबंधों पर पड़ता है। ठीक है, केंद्र राज्यों के संबंधों पर कैसे पड़ता है, केंद्र और राज्यों के जो दोस्तों विधायी संबंध है, जो वित्तीय संबंध है, उन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो राज्यों की संविधान निर्माण करने की या राज्यों की विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार पर चली जाएंगी। ठीक है, और दोस्तों दूसरा प्रभाव पड़ेगा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर। ठीक है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर, एक तो दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा इन दोनों का कार्यकाल कितने साल का होता है, नॉर्मल 5 साल का होता है। ठीक है, अब अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों इसे पुनः अलग अलग बार से दोबारा उस अनुमोदित करा के दोबारा भी इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक एक बार करके 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और दोस्तों तीसरा प्रभाव पड़ता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर ये निलंबित हो जाती हैं। ठीक, निलंबित यानी कि तब तक के लिए मौलिक अधिकारों को समाप्त कर लिया जाता है जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। ठीक, और दोस्तों ये जो मौलिक अधिकारों पर इनका प्रभाव पड़ता है तो जो दोस्तों आर्टिकल 358 है और 359 ये दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं। ठीक है, 358 और 359 ये मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं। ठीक, 358 के तहत दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 358 के तहत 19 वाले मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, और 359 के तहत केवल अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है 359 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल,
और दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।